अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, स्पेशली जिनका CS 101 सब्जेक्ट है, वो ज़रा बात गौर से सुनिएगा। ये बात मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही क्लियर कर दूँ कि ये स्टूडेंट्स वो उन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट किया गया ये वीडियो, उन लोगों को जो CS 101 के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने CS 101 इस सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर में पढ़नी है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अब आपका जो लेसन ट्रैकिंग सिस्टम है CS 101 के अंदर वो स्टार्ट कर दिया गया है। यह ऐसा मैकेनिज्म होता है जो सिर्फ आपका कंप्यूटर आपको ये जांचता है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सर्वर कंप्यूटर है वो देखेगा कि फलां बंदे ने क्लासेस ली हुई हैं, अटैम्प्ट की हुई हैं, और फलां बंदे ने क्लास अटैम्प्ट नहीं की हुई है। इसका ना एक स्पेसिफिक तरीका भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने क्लासेस लेनी है इसी वीडियो के अंदर। लेकिन मैं आपको शुरू में ही ये बात मज़ीद डिक्लेयर कर दूं कि जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये मैं वीडियो नहीं बना रहा। आपने जो सब्जेक्ट है या जो आपने थंबनेल पे जो पढ़ा है वो भी मैंने CS 101 स्पेसिफिक सब्जेक्ट को मैंशन किया है, आप सुन लें। बाकी तमाम तो सेमेस्टर के स्टूडेंट जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसको ज़रूर सुने, क्योंकि कल को मे भी मसला आपके साथ भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको शुरू में बात डिक्लेयर करने का मकसद यही है या मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, तो CS 201 प्रैक्टिकल, CS 301 प्रैक्टिकल, इसका कोई भी ताल्लुक या किसी भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का ताल्लुक इस वीडियो से या इस मैकेनिज्म से फिलहाल नहीं है। और एक और बात जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी वो ये थी कि जो लेसन ट्रैकिंग मैकेनिज्म है ना, इससे आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इससे ताल्लुक आपके पेपर्स का है, फाइनल पेपर्स का है। मैं पहले आपको अनाउंसमेंट पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद देखिए मैं आपको मज़ीद इसको जो है वो समझा देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है एज़ यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि लेसन ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो है वो इनेबल है। इनेबल का मतलब है कि अब जारी और सारी है और इम्प्लीमेंट किया गया है CS 101 पे। थ्रू दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के थ्रू यू कैन एक्सेस द सब्जेक्ट लेसन इन द सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम Topic 1 ऑनवर्ड्स Topic 2 एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं कि इस मैकेनिज्म के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। कौन एक्सेस कर सकता है? यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर है वो हमें एक्सेस करेगा कि इस बंदे ने पूरी क्लास ली है या नहीं ली है। तो जारी बात है वो बिल्कुल इंग्लिश में क्लास दे रहे हैं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि हमने इस क्लास से कैसे पढ़ना है। उसका भी एक तरीक़ेकार है, उसका भी एक हल है, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपके साथ ये जो यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट है ये शेयर करना चाह रहा हूँ, इसको प्लीज़ ज़रा पहले गौर से सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि इसका हल क्या है। तो वो कह रहा है कि जो Topic 1 Topic 2 और सो ऑन लेगा तो यू नीड टू कम्प्लीट वन लेसन थॉरली इंक्लूडिंग ऑल द टैब्स, प्री असेसमेंट वीडियोज, रीडिंग एंड पोस्ट असेसमेंट टैब्स to move the next lesson, you will able to access the next lesson without completing the current lesson। वो आपको बता रहा है कि आपने प्री जो असेसमेंट है उसको भी फिल करना है, बेसिकली ये 2 या 3 नंबर का क्विज होता है, ये आपने अटेम्प्ट करना है। आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, वीडियो को तेज़ नहीं करना, ठीक है, यानी कि जिस तरह वो 2x पे हम कर लेते हैं ना, वो 2x वाला कोई सिस्टम नहीं है। फिर रीडिंग आपने करनी है, फिर पॉज असेसमेंट टैब्स हैं वो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, फिर आप वो जो है वो इस काबिल होते हैं कि आप नेक्स्ट लेसन में मूव अप करें, अदरवाइज आपको नेक्स्ट लेसन का कोई भी ऑप्शन या चांस नहीं दिया जाता। वंस यू हैव व्यूड द कंप्लीट वीडियो ऑफ योर लेसन, योर स्टेटस विल बी मार्क्ड एज व्यूड। वो कह रहा है कि अगर आप एक दफ़ा कंप्लीट लेसन को जो है वो देख लेते हैं तो आपका स्टेटस व्यूड हो जाएगा, यानी आपके जो कैफियत है या जो आपका ताल्लुक है वीडियो का आपके साथ, वो व्यू लिखा जाएगा कि इस बंदे ने ये वाली वीडियो व्यू कर ली है और नेक्स्ट लेसन जो है वो आपका आ जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर बात आपको समझाने वाली, नेक्स्ट इसने टॉपिक में लिखी हुई है या नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है कि यहाँ से देखिए, अब आपको ये समझा रहा है कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है। नो ग्रेडेड कोर्स एक्टिविटीज सेमेस्टर क्विजेज हैज़ बीन लिंक्ड विद द लेसन ट्रैकिंग मैकेनिज्म। वो कह रहा है कि नाउ अब ग्रेडेड जो क्विजेज हैं, तो अब जो ग्रेडेड क्विज एक्टिविटीज है सेमेस्टर क्विजेज की, वो हमारी लिंक करवा दी गई है लेसन ट्रैकिंग मैकेनिज्म के साथ। योर सेमेस्टर क्विज विल बी इनेबल्ड, हमारा जो सेमेस्टर क्विज है वो इनेबल होगा इफ़ अगर यू हैव व्यूड, आप व्यू करेंगे तमाम तर लेक्चर्स को और लेसन को। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है आपको कि अगर आपने तमाम तर लेक्चर्स को या तमाम तर लेसन को व्यू किया हुआ है तभी आपको क्विज इनेबल होगा, अदरवाइज आपका क्विज इनेबल जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बात जो है वो दोबारा रिपीट कर दूँ, आपका क्विज तभी आपको आएगा अगर आपने तमाम तर चीज़ें अटेम्प्ट की होंगी, तमाम तर वीडियोस को देखा होगा, अदरवाइज आप अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको क्विज नहीं आएगा।
अब यहाँ से ताल्लुक आपका पेपर से बनता है। मैंने जो थंबनेल पे लिखी हुई थी कि अब फाइनल पेपर आप पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब तक कोई बंदा क्विज अटैम्प्ट नहीं करता या असाइनमेंट अटैम्प्ट नहीं करता, पास तो वो हो जाता है लेकिन उसका CGPA बहुत ही गंदा आता है। यानी कि मैं आपको बताऊं तो मेरे एक स्टूडेंट हैं जो पर्सनल है, उन्होंने GDP अटैम्प्ट किया था लेकिन उनके मार्क्स जीरो थे। अभी उन्होंने अटैम्प्ट भी किया था, उनके मार्क्स जीरो थे, फिर भी उनका जो सेमेस्टर CGPA है, यानी वो जो सब्जेक्ट का CGPA है, वो खाली 2.53 आया था, सिर्फ एक GDP अटेम्प्ट ना करने की वजह से या मार्क्स जीरो लेने की वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि सेमेस्टर क्विजेज, असाइनमेंट्स और GDBs तमाम तर चीज़ों का अटेम्प्ट होना हर सब्जेक्ट का ज़रूरी है। बेशक आपको जितने मर्जी नंबर हों लेकिन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो है वो आगे से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बात जो है वो उनके माइंड में आएगी कि हाँ भी बंदे ने अटेम्प्ट किया हुआ है, वल्लाह आलम आके उसने सही अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था या गलत अटेम्प्ट किया हुआ था, वो एक अलग मैटर है, एक अलग इशू है। कहने का मकसद सिर्फ आपको इतना सा है कि अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तब ही आप जो है, यानी अगर आप वीडियो को वॉच करेंगे इनकी तब आप लोग जो है वो सेमेस्टर का क्विज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेमेस्टर का क्विज नहीं कर सकते हैं। और जब आप सेमेस्टर का क्विज नहीं कर सकते हैं तो दिस मीन्स कि आप अपना CGPA यहाँ पर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे या अच्छा CGPA लेने के आप अहल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सेमेस्टर क्विजेज को अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। और क्विज का प्रॉपरली परसेंटेज के हवाले से ग्रेडेड सिस्टम होता है, तकरीबन 5% आपका जो क्विज होता है वो होता है, और अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो आपको फाइनल टर्म में जो है वो इसके नंबर देते हैं। उसके आगे देखिए, वहाँ वो कह रहा है कि सपोज कर लें योर कोर्स टर्म हैज़ अनाउंस्ड सेमेस्टर वन क्विज़ वन, सॉरी, वो कह रहा है कि आप फर्ज कर लें कि इस सेमेस्टर के अंदर आपका क्विज़ वन जो है वो अनाउंस किया गया है टॉपिक वन से लेकर टॉपिक 51 तक। नाउ अब लेसन ट्रैकिंग सिस्टम, यू विल बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट सेमेस्टर क्विज़ वन इफ़ यू कम्प्लीट व्यूड ऑल द 20 टॉपिक्स। वो कह रहा है कि अगर आपने 20 टॉपिक्स को, यानी वन से लेकर 20 तक जो है वो अगर कवर किया होगा, यानी ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सारे कवर करें, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताऊँगा कि आपने कैसे कवर करना है। अब वो आपको ये कह रहा है कि आपने ना, मतलब बातों में से अगर एक बात मैं आपको समझाना चाहूँ तो यही है कि आप लोगों ने कम्प्लीट वीडियोज़ को वॉच करना है। कंप्लीट वीडियो को वॉच करना कैसे है वो अभी बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे तब ही आप इस बात के काबिल होंगे कि आप क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो आप तमाम तो क्विज़ को खो देंगे या आपको क्विज़ शो ही नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अनाउंसमेंट समझ नहीं आ रही, मैं अगर इसको दोबारा रिपीट कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने लिखी हुई है कि आप तभी क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने क्विज़ की से पहले, क्विज़ करने से पहले वीडियोस को व्यू किया होगा, देखा होगा। तो मैं आपको ज़रा लेके चलता हूँ आपके CS 101 के क्विज़ के ऊपर या CS 101 के कोर्सेज के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ये काम जो है वो करना है। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपको CS 101 के टॉपिक के ऊपर लेके जाऊँगा। अभी ये जिस बंदे का मैंने LMS खोला हुआ है, इन्होंने जो है वो 2 यहाँ पर लेक्चर्स को अटेम्प्ट किया हुआ है। इससे आगे इनका इसलिए नहीं है क्योंकि इससे आगे इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ। ओके जी, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने देखना कैसे है या यहाँ पर आपने करना कैसे है, आप वीक वन पे क्लिक करें। वीक वन पे क्लिक करने के बाद ना आप इस टॉपिक पे क्लिक करें। देखिए, आपको यहाँ पर जो है वो छोटा सा एक टिक मार्क का साइन बना हुआ नजर आएगा। इस टिक का मतलब है कि आपने ये वीडियो देख ली है। अब आप ज़रा इस पर क्लिक करें, वीडियो 2 पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे 4 टैब्स आपको दिए जा रहे हैं, और इन 4 टैब में पहले है प्री असेसमेंट। ये प्री असेसमेंट का मतलब ये है कि आपने जो पहली वीडियो देखी है उससे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने टेक क्विज करना है, उसके बाद आप वीडियो पे चले जाएंगे। वीडियो पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट व्यूड, जो मैंने भी आपको बताया था ना, व्यूड लिखा हुआ है नॉट व्यूड। तो करना आपने क्या है कि अब चूंकि जारी सी बात है ये बिल्कुल इंग्लिश में समझा रहे हैं और आप लोगों भी पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को इंग्लिश में इतना समझ नहीं आएगा, तो आप लोग शॉर्ट लेक्चर की तरह मूव अप करें। मैंने खुद लेक्चर बनाए हुए हैं, आप उसको देखिए, इंशाल्लाह आपको तमाम तरह चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ जो है मेरी वीडियो देखनी है। तकरीबन 10-10 मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं आपके लिए, या किसी की वीडियो जो भी आप देखना चाह रहे हैं आप उसकी वीडियो देखें। उसके बाद आप इसको ऐसे ही लगा दें, यानी जिस तरह मैंने ये लगाया हुआ है, मैं यहाँ पर इसको ऑन नहीं कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम इश्यूज। तो आप लोग इसको क्या करें, आप लोग इसको ऐसे ही एज इट इज़ लगा दें। आप सुने ना, सुनने से बना दिया कि बस आप मोबाइल में लगा के रख दें। थोड़ा सा मेहनत वाला काम तो है, थोड़ा सा क्रिटिकल काम है ये वाला, लेकिन जब आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह तो आगे जाने के बाद ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा। आगे जाने के बाद इस तरह की कोई भी शर्त शराइत जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं रखी जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको ऐसे ही लगा दें, ऐसे ही कर लें। थोड़ा सा ये मेहनत वाला काम ज़रूर है,
लेकिन आप लोग करेंगे तो फिर ही आप लोगों को क्विजेज वगैरह शो होंगे, क्योंकि हम अब हम क्विज को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम क्विज को छोड़ेंगे तो दिस मीन्स कि हम वहाँ पर यूनिवर्सिटी को ये बताना चाह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने के अंदर, क्योंकि क्विजेज असाइनमेंट और GDB जो बंदा कंटिन्यूसली करता है ना, तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ से जांच लेती है कि बंदा पढ़ने में इंटरेस्टेड है और आपका CGPA बड़ा अच्छा मेंटेन हो जाता है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है हमारे फाइनल टर्म और मिड टर्म के पेपर्स के साथ। तो ये बात करना ज़रूरी थी, या ये बात करना ज़रूरी थी कि आप लोगों को कि ये अब देखना ज़रूरी है। बेशक आप समझे ना इस चीज़ से, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, आप इस वीडियो को ऐसे लगा दें, आवाज़ बंद कर दें। बंद करने के बाद आप क्या करें, आप दूसरे टैब में जाएं। अगर आप लैपटॉप पे ले रहे हैं क्लास या अगर आप मोबाइल पे ले रहे हैं क्लास, तो आप क्या करें, आप बस इसको एज इट इज लगा के रख दें, घंटे तक आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके आगे आपने रीडिंग वाले टैब पे क्लिक करना है, रीडिंग आपको चूंकि हैंड आउट्स भी हैं। अब देखिए रीडिंग वाले टैब में आप जब तक नहीं जा सकते जब तक आप रीडिंग को कंप्लीट वॉच नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तब आप रीडिंग वाले टैब में जाएंगे, अदरवाइज देखो आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। उसके बाद पोस्ट असेसमेंट है, आप कोई भी जल्दी जल्दी क्विज कर दें, 1 से 2 मिनट सिर्फ आपके लगेंगे तो आपका क्विज जो है यहाँ पर डन हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बताना ज़रूरी था आप लोगों को, यहाँ पे गाइड करना ज़रूरी था आप लोगों को। तो काइंडली वो कह रहा है मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर्ड एज व्यूड, कि आपने 25% जो वीडियो है उसको देखना है। जब भी आपका स्टेटस यहाँ पे व्यू का लिखा हुआ जाए ना, जिस तरह ये नॉट व्यू लिख रहा है ना, जब आपका स्टेटस यहाँ पे व्यू लिखा हुआ जाए उसके बाद आप नेक्स्ट पे मूव अप कर जाए, इंशाल्लाह आप सारे जो सेमिस्टर जो क्विजेज हैं उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बगैर हमारे पास अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। और एक बात मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ कि इसका ताल्लुक आपके वैसे यानी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसका ताल्लुक वैसे ग्रेडिट सिस्टम के साथ नहीं है। यानी वैसे आप जो वीडियो देखेंगे उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, नंबर आपको यहाँ से कट सकते हैं कि वो आपको जब क्विजेज नहीं देगा, क्विज आपको अटैम्प्ट ही नहीं करेगा, आपके उसके ऊपर शो ही नहीं करेगा, तो दिस मीन्स आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते, फिर आपको मसला आएगा और फिर आपका फाइनल टर्म के ऊपर इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो वॉच कैसे करनी मैंने आपको बता दिया, चूंकि देख सारी बात है समझ तो आती नहीं आप लोगों को, तो आप लोग करें इस तरह से कि आप इसको आवाज़ बंद करके छोड़ दें, और कोशिश करें कि अगर किसी के पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे क्लास लेके इसको छोड़ दें और नेक्स्ट टैब में ओपन करें यूट्यूब, और वहाँ पर आप जो है वो कोई भी किसी के भी लेक्चर जो है वहाँ पर जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नंबर या लिंक, आप उसको ज़रूर देखिए, उसको ज्वाइन कीजिए, और कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप भी गाइड कर दूंगा, और आपको कमेंट्स बॉक्स में भी आप कमेंट करें, आपको वहाँ पर भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से मिलती रहेगी। तो ये आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने शेयर की हैं, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।